भारतवर्ष की जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, पवित्र और पावन गंगा। और इसी गंगा किनारे बसी है भोलेनाथ की नगरी काशी। यहां हर साल लाखों लोग भक्ति के लिए भी आते हैं और मुक्ति के लिए भी। चौरासी घाटों वाली इसी गंगा के किनारे एक घाट है, नंदेश्वर। नंदेश्वर घाट। इसी घाट पर स्नान और स्तुति कर संतानहीन महिलाओं की मनोकामना पूरी होती थी, लेकिन अब यह घाट श्रापित है। तेरी मेरी कहानी पूरी ना हो पाई इस जन्म में, हम तो मिलेंगे इस जन्म में, हम तो मिलेंगे इस जन्म में, जन्म में हम तो मिलेंगे इस जन्म में। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बात पर बहुत हंसी आया। ये सब छोड़ो यार, हम लोग तो कितने दिन बाद मिले हैं और तुम लोग फिर से शुरू हो गए। ये मैगी किधर है? रुको, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। इडियट कहाँ हो तुम? इडियट हियर। ओए मिल, स्पीकर और तेज करो। हाउ आर यू ऑल गाइस? Fine man. Oh, Harveer, you are looking so pretty. हाँ वे तो मैं बचपन से ही हूँ। इतना serious क्यों रहता है? तुमको क्या पता, वीर जैसा दिमागदार crazy person यहाँ पर कोई नहीं। ये ऐसा ही हमेशा serious रहता है। College के दिनों में भी ये ऐसा ही था। तुम लोग जहाँ भी बैठते हो आपस में ही शुरू हो जाते हो। अरे यार, इतने दिन बाद सब लोग एक साथ मिले हैं, कुछ पार्टी तो करते हैं यार। He is right man. Let's party together. हेलो हेलो यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज मी। फोन इसे और फोन को ये छोड़ नहीं सकता। हेलो हेलो, हाँ डैड, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। अच्छा, डोंट वरी डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे डैड, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। ओए नील, आजा, कितना बात करेगा। ओके ओके, बाय डैड, सी यू देन। अरे यार, इम्पोर्टेड कॉल थी डैड की, बोल रहे थे आज पता नहीं किसका मौत हो गया और बोल रहे थे वहाँ पर बिल्कुल मत जाना। डैड ने वो न्यूज मैसेज करने को बोला है। किसकी मौत नील? गाइस, ये क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो? बहुत अजीब स्टोरी है, इस पर तो सीआईडी के बहुत एपिसोड बन सकते हैं। ये कौन सा केस है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? About the river. उसे वहाँ पर ये सब हादसे हुए हैं। तो वो रिवर बंद है और उसके पास एक घना जंगल है। जंगल में एक नहीं बहुत सारे हादसे हुए हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि वो क्यों मरा, कैसे मरा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैंने भी उस नदी के बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी। मैंने भी बहुत सुना है कि वो जंगल हॉन्टेड है। वहाँ एक लड़की को जिंदा जलाया गया था जिसने मरने से पहले वहाँ पर एक शराब दिया था, और वहाँ जो भी जाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी।
क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग भूतों पर बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत होते नहीं। यार, I don't believe on ghost। मैं भूत को नहीं मानता, जिस चीज को देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? जिस दिन दिखेगा उस दिन मानने के लिए तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। Guys, I have a brilliant idea। मिल के फेवर के लिए हम लोग एक बार रिवर पर चलेंगे भूत से मिलने। वाओ, रियली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना वीर? सच में ये जगह बहुत ही मस्त है। ये जगह क्या यार, चलना है तो पार्टी में चलो। क्या फालतू जगह लेकर आए हैं? स्टॉप इट गाइस, हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेस्ट गो, लेस्ट फाइंड अ गोस्ट। जो हम काम करने हैं पहले वो करते हैं। वीर के पास चलो। क्या सोच रहे हो वीर? जरूरी नहीं जो हमें दिखे वो सच है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। लेट्स गो वीर, उन लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं। वीर प्लीज रुको। वीर, व्हाट हैपेंड? वीर, हमें एक बार जंगल चल कर देखना चाहिए, क्या पता कोई दिख जाए। बात तो सही है, हमें एक बार जंगल जाकर देख लेना चाहिए। वेट, क्या हुआ? मेरे डैड का फोन आया था, उन्होंने बताया है कि उस जंगल में मत जाना, वो जंगल भूतिया है। भूत वूत कुछ नहीं होते, असल लाइफ में भूत एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं मानने वाला नहीं हूँ। वहाँ चलने में क्या है, वहाँ से एक बार चल कर आते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर तुम लोगों के साथ कुछ भी हुआ तुम लोगों को छोड़कर चला आऊंगा। चलो ठीक है। एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, हम लोग रोड पर इंतजार करते हैं। कभी से तुम्हारा रोड पर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ओके, कोई ना, रूट चुन चुन था। मैं उस जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक। प्लीज अभी भी समय है, मेरी बात समझो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वाई यू फियर्ड? हम सब है ना, जब हम लोग हैं तो तुम क्यों डर रहे हो? ऐसा थोड़े, सच में यहाँ कोई भूत मिलेगा। तुम लोगों को समझाना और अपनी पैर पर हथौड़ा मारना, दोनों एक बराबर है। यार यहाँ पर ऐसे पहले भी हादसे हो चुके हैं। चिल, हम लोग हैं, देखते हैं आज इस भूत को। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं फिर से वही भूतिया जंगल में। यार
यार ये जंगल कितना शांत है, यहाँ एक नहीं 20-20 भूत है। यार चुप करो, वैसे भी नील की फटी पड़ी है। जब दिन में इतना जंगल डरावना है तो रात में क्या होता है? अगर एक जगह रहे तो यही रात में। हाँ ओए मैगी, तेरे पास टॉर्च है क्या? क्यों, रात में ही रुकने का प्लान है? नहीं यार, प्रैंक करने के लिए। प्रैंक गया तेल लेने? अगर तुम्हारे प्रैंक के चक्कर में यहाँ किसी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? एक तो जब से हम यहाँ इस जंगल में आए हैं मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। कोई भी हॉरर सीन शुरू होने से पहले यही होता है, कभी नेटवर्क नहीं, कभी मोबाइल डेड वगैरह वगैरह। जैक डूड, मैंने भी कई हॉरर मूवी देखी है, उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। अचित कहाँ गया? अगर तुम लोगों ने फिर से मजाक किया तो ये ठीक नहीं होगा। शूटिंग के दौरान मैगी का तबीयत खराब हो गया, जिसकी वजह से यह रोल किसी और को दिया जा रहा है। सो आई होप कि आप सभी लोग इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। गुस्सा क्यों हो? ढूंढने चलते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ता भूल गया हो। नील, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम खुद यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। तुम लोगों की बात में मैं यहाँ आया ही क्यों? मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था। चुप रहो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऐसे भी ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर कोई भी भूल जाएगा। ऐसा करते हैं, हम लोग चारों लोग चार दिशा में जाते हैं और किसी को भी अचित दिखाई देगा तो वो जोर से आवाज लगाएगा। ठीक है? अचित, अचित मैंने बोला था मत आओ मत आओ, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा तब तो। हमें निकलना होगा यहाँ से अभी इसी वक्त। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कम फास्ट। ओ सी, मुझे लगता है हम लोग इधर से आए थे। नहीं, आई थिंक हम लोग इधर से थे। चलो निकलो इस यहाँ से, निकलो। नहीं, वो हमारा दोस्त है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मर चुका है, चलो यहाँ से। अगर ऐसी चीज एग्जिट करती है तो उसका किसी न किसी तरह से अंत जरूर होगा। ये सारी शक्तियाँ किसी ऐसी चीज से लेती होंगी जो हमारी नजर में नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज है जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब हम लोग इस जंगल में एंट्री किए थे तब मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया, इसका कुछ तो कनेक्शन है इस भूत के साथ। मुझे पता चल गया इसका हल। नील, जब से तुम इस जंगल में आए हो तब से तुम बोल रहे थे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद तुम्हारा नेटवर्क चला गया। उसका अगला टारगेट तुम हो सकते हो नील, बी केयरफुल। अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास मोबाइल है ना? हाँ, फोन तो है, पर इसका करना क्या है? गुड, वो जो आत्मा है उसकी कमजोरी पता चल गई। हम तीनों लोग तीन दिशा में जाएंगे, तुम दोनों अपने फ़ोन को हाथ में लेना। इस जंगल में कहीं तो नेटवर्क होगा, ढूंढते हैं उस जगह को। ईशान, तुम ईस्ट में जाओगे, नील तुम वेस्ट में जाओगे। ओके डूड, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ओ शिट, नेटवर्क किधर है यार? वो तो इतनी रात है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा।
वीर। अरे यार ये नेटवर्क कहाँ पर आएगा? वीर, वीर यहाँ पर क्या कर रहा है? वीर, 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 बोल, नहीं, 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 प्लीज छोड़ो मुझे। अगर उस आत्मा से लड़ना है तो धैर्य और हिम्मत चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना है कि उसका ध्यान दो तरफ हो जाए तो शायद उस आत्मा को मार दूं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले ही वो आत्मा अपना काम कर देती है। सबसे पहले मुझे एक प्लान बनाना होगा, एक आइडिया है। कभी नहीं सोचा था यहाँ आने के बाद ऐसा होगा, लेकिन सच में इस दुनिया में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो भी हो बहुत बुरा हुआ।